दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ आज की रेंज कंपनी का, अगर आप हार्ड डिस्क कैडी लेते हो तो किस तरीके से इसे इंस्टॉल किया जाएगा लैपटॉप के अंदर, और इसका प्राइस वगैरह कैसा होगा, क्या क्या इसके अंदर आप देखने के लिए मिलता है, ये सारी जानकारी के साथ मैं आपको इसे पूरा आपको इंस्टॉल करके आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दोस्तों इस कंपनी की रेंज कंपनी का। मैंने ऑलरेडी एक और प्रोडक्ट यहाँ पर रिव्यू किया हुआ है, आप चाहो तो उसे चेकआउट कर सकते हो। बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छे प्रोडक्ट ही देता है हमें, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो आप कहीं से भी इजीली इसे परचेज कर सकते हैं। हार्ड डिस्क कैडी इसे बोलते हैं। हार्ड डिस्क कैडी का मतलब होता है कि ये जो शेप होती है इसकी आप देखोगे तो ये पूरी की पूरी जो शेप बनाई जाती है डीवीडी राइटर की तरह। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर एक लैपटॉप है, ये लैपटॉप हमारे पास है, पुराने लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क का ऑप्शन आया करता था, अब तो नहीं आता है। तो हार्ड डिस्क जिस जिसके लैपटॉप के अंदर अवेलेबल है उस जगह पर अगर आपका वो जो डीवीडी राइटर ख़राब हो चुका है और आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाना चाहते हैं, यानी कि लैपटॉप के अंदर दो हार्ड डिस्क, तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। इसी ऑप्शन के थ्रू हम इजीली यहाँ पर हार्ड डिस्क को लगा सकते हैं। कैसे लगाना है चलो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, पहले देखते हैं इसके अंदर आ क्या रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले मिल जाता है हमारे पास ये हार्ड डिस्क कैडी। ओके, तो ये लैपटॉप में इजीली आराम से लग जाती है, और यहाँ पर आप देखोगे तो साटा का हार्ड डिस्क लगाने का ऑप्शन है, तो लैपटॉप हार्ड डिस्क यहाँ पर इजीली आपको लग जाएगी। और ये वाला जो ऑप्शंस है ये हमारे लैपटॉप के अंदर हम इंसर्ट कर लेंगे। इसके साथ हमें इस बॉक्स के अंदर मिलता है ये स्क्रू, और ये कुछ स्क्रू मिल जाते हैं और साथ में स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है। तो अब चलो इसे हम देखते हैं किस तरीके से हम इसे अपने लैपटॉप के अंदर लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से हमें देखने के लिए मिल जाती है हार्ड डिस्क कैडी। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हमें साटा हार्ड डिस्क लगाने का ऑप्शन हमें मिल जाता है, और बिल्कुल हुबहू अगर ये देखने की बात करूँ तो ये बिल्कुल हमें ऐसा लगता है जैसे कोई डीवीडी राइटर हो, तो उसी के शेप में बनाया जाता है ताकि ये डीवीडी राइटर की तरह फिट हो जाए, और इसके अंदर यहाँ पर हम अपना हार्ड डिस्क को ईजिली इसमें लगा सकें, इस पोर्शन में हार्ड डिस्क लगेगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हार्ड डिस्क कैडी आता है इसमें दो वेरियंट आते हैं, पतला वाला आता है एक थोड़ा हैवी वाला आता है। तो आप देख लेना किस तरीके से आपका वो जो राइटर है वो कैसा था पहले लैपटॉप के अंदर। तो ये यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ कर लेते हैं जिसमें हमारी जो राइटर वगैरह है वो ख़राब हो चुका है, वहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा हम हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, तो ये बेनिफिट हमें इस पर देखने के लिए मिलता है। तो चलो अब मैं पहले आपको दिखाता हूँ अपने लैपटॉप में से जो डीवीडी राइटर से बाहर निकाल के फिर इसको लगा के हम देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो लैपटॉप है मिनी लैपटॉप है, इसके अंदर हमारे पास जो हार्ड डिस्क लगाने का ऑप्शन मिलता है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरीके से। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरीके से बाहर आएगा, और आपके लैपटॉप के अंदर अलग ऑप्शन हो सकता है, बस आप जो आपका सीडी डीवीडी राइटर है ये वाला, ये आपको बाहर निकालने का होना चाहिए। हर लैपटॉप में अलग अलग होता है, किसी में स्क्रू के थ्रू होगा और किसी में इस तरीके का होगा। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें से आराम से हम डीवीडी राइटर को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से डीवीडी राइटर बाहर आ चुका है, ये देखो। तो यहाँ पर सीडी डीवीडी लगाने के लिए ऑप्शन था, ये मेरा ख़राब हो गया। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे हमारे पास जो हम परचेज़ करके लेके आए हैं, ये है हार्ड डिस्क कैडी। हमारे पास हार्ड डिस्क कैडी, अब इसमें मैं एक और हार्ड डिस्क लगाऊंगा, तो मैं आपको पहले फटाफट दिखाता हूँ हार्ड डिस्क कौन सी लगाने वाला हूँ। दोस्तों मेरे पास है यहाँ पर एक हार्ड डिस्क, ये लैपटॉप हार्ड डिस्क आप जैसे देख भी पा रहे होंगे साटा हार्ड डिस्क है। तो यहाँ पर GB में आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मेरे पास एक मैं डेमो के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके का पहला जो ऑप्शन है यानी बड़ा वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आप देखो, ये बड़े वाले पे यहाँ पर लगेगा, तो बड़ा वाला ऑप्शन यहाँ पर ऐसे जाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लगा देंगे, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से ही सेट होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट डालने पड़ेंगे, हल्का सा इसे पुश कर देना, पुश करने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये देखो जब यहाँ पर सेट हो गया है, अब हमें लैपटॉप के अंदर किस तरीके से लगाना है। देखो जैसे मैंने बताया हर लैपटॉप में अलग अलग होगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मेरे लैपटॉप में कुछ इस तरीके से है, अब जैसे ही मैंने इसे थोड़ा सा पुश किया वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर अपना एडजस्ट कर गया, और यहाँ पर हमारा हो चुका है ये बिल्कुल रेडी। अब मैं आपको लैपटॉप के अंदर ऑन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो दोस्तों आपने जैसे देखा अब हमारा लैपटॉप तो हो चुका है ऑन, तो मैं पहले आपको चेक कराता हूँ हार्ड डिस्क कैसे काम कर रही है कैसे नहीं कर रही है इसमें। तो यहाँ पर मैनेज पर हम जाएंगे, कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करके मैनेज पे हम क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाएगा। वहाँ पर जाकर हम चेकआउट कर लेंगे कि अभी हमारी जो हार्ड डिस्क हमने लगाई है कैडी में वो काम कर रही है नहीं। तो आपने देखा देखो हमारे पास यहाँ पर एक और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हमारे यहाँ पर 500 GB की आ चुकी है, काम कर रही है जो बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आप इसे ओपन करके देखेंगे बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है। तो
तो यहाँ पर हमारे कैडी का इस्तेमाल हमने फ़ायदा इसका ले लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास दो हार्ड डिस्क इस सिस्टम के अंदर आ रही हैं, हार्ड डिस्क नंबर 1 डिस्क 0 और डिस्क 1। तो दो हार्ड डिस्क हमारे यहाँ पर काम ईजिली कर रही है। तो ये तो था दोस्तों कैड किस तरीके से कैडी को इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरीके से आप माउंट कर सकते हैं अपने लैपटॉप के अंदर। प्राइस की बात करूँ तो ये 60 रुपये में मुझे परचेज़ करने के लिए लोकल मार्केट से मिली है। ऑनलाइन जो प्राइस है वो ज़्यादा है, अगर आप नियर बाई किसी भी शॉप पे रहते हैं तो वहाँ पे 60 से 80 रुपये से ज़्यादा की आपको ये नहीं मिलेगी। तो बढ़िया है ये, बिल्कुल बढ़िया काम करता है, एकदम बढ़िया क्वालिटी है, बढ़िया ब्रांड है। कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।